अपना नाम बता, जिसके साथ तू रह रही है उसका नाम बता, उसी का गांव बता, ठीक है? अनुराग बोल। मेरा नाम जसप्रीत है। मंदिर में रसोई में तुम रखा तेल? मंदिर में पहले रखा था, फिर मैंने यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी। आज तेरी कितनी कड़ी परीक्षा, पहले तू आई फिर तू गई फिर आई और तेल तेरा मंदिर में रहती है। उसके पापा का नाम पता है? हाँ रुक, अब नाम बोल अपना। जसप्रीत। उसका नाम बता जिसके साथ रहती है। सूरज। उसके बाप का नाम? संत राम। उसका गाँव? नगर। या तो देखो मेरे घर पे जा दो, उसके साथ ध्यान दे दो, माँ बेटे को मुक्ति दे दो बस। ऐसे कोई काम चलता है क्या? ऐसा काम चलता है? वो उससे ऐसे कोई शादी वादी उससे नहीं करनी, वो शादी शुदा है ऑलरेडी। शादी शुदा तो नहीं, वो शादी शुदा है बाबू, वो शादी शुदा है। उसी गांव का है जिस भले हो, उसकी शादी हुई है, चाहे उसे चुपके करिए चाहे गुच्छे, वो शादी शुदा है। उसी गांव में क्या का बच्चे कहाँ रख रहे हैं? वो शादी शुदा है। ऐसे थोड़ी होता है बाबू, मार दो, जिंदगी थोड़ी ऐसी खत्म होती है। मैं 6 साल हो गए बहन के घर में, कभी कुत्ते की जिंदगी होगी मेरी, कुत्ते से ही बदतर कर दे मेरी जिंदगी। बहुत बेटा उसके बारे में पता नहीं किया था, पता किया परसों से दोस्त का फोन आया, उसने मुझे बोला परम ने, कहता कि ना जिस लड़की से बात करता 3 साल हो गए, कहता बहन मैंने इसका नंबर दिया जरूर है इसको, मैंने कहा शादी कर ली, कहता शादी नहीं करी पर ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं शादी की, मैं पक्का वो शादी हो चुकी है मुझे। 1 साल बाद उसको फोन किया, अब उसने परसों मुझे ही दिखा रहा, कहता मेरी जान ने फोटो भेजी है। मैंने कहा फिर ये कहता इसको मुझे देते, मैं अपनी मौसी को दे दूंगा, फिर मैं क्या करूंगी? माँ नहीं है, बाप नहीं है, कहाँ गया? हमको मार दो ऐसा तो क्या होगी? 6 साल हो गए मुझे कुत्ते नहीं बता। बाबू रो मत, हिम्मत रख, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। कितनी पढ़ी लिखी है तू? 12। तो बाबूजी तू तो कुछ भी कर सकती है। हिम्मत नहीं है, हिम्मत इतनी बड़ी बैठी है तेरे साथ, इसको नहीं मारना, ऐसे थोड़ी होता है मार दो। वो जीवन लेकर के आया है तो कुछ सोच के लाया होगा, इसके भरोसे आगे जिंदगी काटने की सोच थोड़ा बराबर का हो जाना है, इसे रोटी दे देनी है तेरे को। बहुत मुश्किल है दिल्ली में पालना, सब रोटी का हिसाब मांगता है, बहन भी मांगती है, जीजा भी मांगता है, और मुक्ति दे दो। देखो दो बातों की एक बात है, या तो इसके साथ मेरे घर में ला दो, या हम दोनों को सोए सोए सुबह हो ही ना। 7 साल हो गए कुत्ते की जिंदगी जी ली मैंने, ना कपड़े मेरे पास ना रोटी मेरे पास, इसको क्या खिलाऊंगी मैं? बस दो बातें हैं, आप मेरा फैसला करके ही मैं जाऊंगी यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी। या तो हमको रातों रात सोए हुए सुबह ना हो मैं, या मेरा घर बसा दो इसके साथ। बस बहुत फिर ली मैं, बहुत फिर ली, मुझे रोटी के पीछे भी बहन भी सुनाती है, जीजा भी सुनाता, मैं नहीं जाऊंगी नहीं तो यहाँ से, बाहर ही बैठ जाऊंगी आपके दरवाजे पे। बस इतनी सी बात है, मैं कहाँ जाऊँ बताओ। बाबू ये देख रहे फाड़ दिया, अभी बनेगा भी नहीं दोबारा, संभाल इसको। मेरे को एक बात बता, एक इंसान के पीछे तू अपनी, एक इंसान के पीछे तू दो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही है, मतलब वो भगवान हो गया, उसमें इतना दम हो गया। बाबू तू कुछ भी कर लेगी, अगर तू बर्तन भी मांझ लेगी ना तब भी बच्चे अगर पाल लेना तूने, तू खाना भी बनाएगी ना तब भी बच्चे को पाल लेना तूने, समझ नहीं रही है तू बात को? तुझे अपनी जान की कीमत नहीं पता, हमें पता है, कुछ नहीं है। ये टाइम बहुतों पे आया है, हमने भी देखा होगा शायद ये टाइम कभी। बेटा अगर कीमत पता होती तो आप मेरे माँ बाप को ना लेके जाते। बेटा जी सबका टाइम लिखा हुआ है, जो तू लिखवा के आई है वही यहाँ पे लेना है, हमने जो पीछे करी है वो अब काटने। कोई जादू थोड़ी है कि मैं कुछ कर दूंगी, हाँ मैं सॉल्यूशन दे दूंगी तेरे को, लेकिन मरने मराने वाली मत सोच बाबू। मैं तो हार गई, बहुत हार गई मैं, मार भी खा के देख ली, फिर के भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, बेटा भी पैदा करके देख लिया, अब तो हार मान गई जिंदगी से ही, हार मुझे।
जीना ही नहीं है। सुन मेरी बात, मैं अगर कोई राज बता रही हूँ तो वो कर लेना, आराम उससे पड़ जाना है, और ये मरने मराने वाली बातें नहीं सोचते। ये सोच के किसी ने मेरे लिए नहीं सोच, तेरे बाप तेरे को छोड़ के चला गया, तेरी माँ छोड़ के चली गई, अब तुझे ये सोचना चाहिए ना कि अगर मैं इसको छोड़ के चली गई, ये इसको कुछ हो गया क्या होगा, इसको साथ ही भेज दूंगी। ऐसे नहीं होता ना बेटा, अगर उसको मरना ही होता तो वो आता नहीं जिंदगी लेकर यहाँ पे, समझ रही है ना। हार के कुछ नहीं होगा, जब औरत हार जाती है ना तब वो मर्द बन के खड़ी होती है, ये बात समझ में आ गई तुझे। तो औरत बन के जिएगी तो नहीं जी सकती, मर्द बनेगी तो जी सकती है। कोई बात नहीं, बहुत से घर परिवार ऐसे होते हैं जहाँ बच्चे भी साथ में अलाउड हो जाते हैं, ढूंढेगी तो सब कुछ मिलेगा बाबू, ढूंढेगी तो सब कुछ मिलेगा। ऐसे नहीं होता ना, ढूंढेगी तो सब कुछ होगा। हार मान के घर पे ही बैठी है, ट्राई भी तो नहीं किया कहीं, ट्राई कर दी तो उससे रास्ते मिल जाने थे तूने। जब ये कह देगी ना मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए जीऊंगी, तो उस दिन खड़ी हो जाएगी। अब ये सोचेगी कि आदमी चाहिए, आदमी फिर नहीं खड़ी हो सकती। सब सुनाते हैं, मां आपको नहीं पता। बेटा मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है कि तुम ऐसे ही कल को मेरे जीजा बोलते हैं इसके माथे पे लेट हुए तेरा बाप भगोड़ा है। कोई बात नहीं, कि तेरे बाप का आते तो तू लिख के दिखा दे। आजकल दूध के पैसे मांगता, हमको तो मार। कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, तेरे तो जीजा ही मांगता है। बहुत से बच्चे ऐसे जिनकी सगी माँ मांगती है, सगे बाप मांगते हैं, ये दूध दे जाएगी तो रख लेंगे, नहीं तो ले जा अपना गंध अपने साथ। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, खुद की सगी माँ, कल को तेरी माँ जिंदा होती वो ऐसे कह देती, फिर क्या कर लेती। क्यों नहीं कहती, मैंने देखा है, आते हैं बच्चे मेरे पास जिनकी सगी माँ ऐसी कहती है। बहुत सी तो ऐसी माए छह छह शादियां अपनी बच्चियों की करा दी पैसों के चक्कर में। मैंने बहुत कुछ देखा बेटा, यहाँ बैठती है ना संगत, बहुत कुछ देखती हूँ। कविता जिसको सुपारी वाला काम बता दू और जोत बता दू, ये घर बैठा तू और मरने मनाने वाली छोड़ दे, ऐसी बन जा कि दुनिया को मार देंगे, कोई हाथ लगा के देखे। ये कर बेटा।